गवर्नमेंट ऑफ सिंध स्कूल के असातिज़ा कराम ने वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह और वज़ीर तालीम सईद गनी का शुक्रिया अदा करते हुए टाइम स्केल पर अमल दरामद कराने पर खुशी की लहर दौड़ गई। इस हवाले से सेक्रेटरी तालीम बच्चल राव पोटो और दीगर असातिज़ा कराम ने बताया, ये 60 थी जिनको अभी आज जो है हमने दे दिए हैं, तकरीबन ये मुकम्मल हो गई हैं। अभी एक दो कोई रहती हैं तो उनको भी इंशाल्लाह जल्दी मिल जाएगा। ये भी अच्छी बात है कि फीमेल को ज़्यादा जो है वो फीमेल एम्पावरमेंट की हो रही है बात आजकल, तो अच्छी होती हैं फीमेल असातिज़ा जो हैं मेल के मुकाबले में। मेल भी इंशाल्लाह होंगे, हैं तो सही थोड़े थे, पूरे सिंध से थे, और मजीद मेरे ख्याल में अभी तीसरे फेज में ये दे रहे हैं तो तकरीबन मुकम्मल हो गए हैं। अगर कितने ग्रेड में गए हैं पहले, कितने ग्रेड, मुख्तलिफ ग्रेड्स हैं, किसी को जो है वो 14 मिला है, किसी को 16 मिला है, किसी को 17 भी मिला है। टाइम स्केल है बेसिकली ये जी। क्रेडिट जो है वो इन्हीं का है, टीचर्स का, जिन्होंने बड़ी मेहनत करके बच्चों को पढ़ाया। इनका टाइम, इनका हक भी था, और मिनिस्टर साहब की डायरेक्शंस भी थी कि इनको जो है उनका जायज हक दिया जाए। ये 10-12 सालों से इनको कोई भी ना प्रमोशन थी ना कुछ ना मिला था, तो टाइम स्केल जो है वो सिंध गवर्नमेंट के भी असातिज़ा को दिया जाता है, तो वर्कर वेलफेयर बोर्ड के असातिज़ा को भी मिलना चाहिए था। इन टीचर्स का बुनियादी हक था, ये मुसलसल कंटिन्यूटी हर सेक्टरी के टाइम में इन लोगों ने एप्लीकेशंस दी, कोशिश करते रहे, क्योंकि इतने क्वालिफाइड टीचर हैं हमारे और अपना आउटपुट ये दे रहे हैं, लेकिन इनको जो इनका राइट था अकॉर्डिंग टू अदर डिपार्टमेंट्स वो मिल नहीं रहा था। तो इस सिलसिले में बोर्ड ने 10th मीटिंग में डिसीजन दिया था कि इन लोगों को टाइम स्केल दिया जाए और पैरेलल जो फाइनेंस डिपार्टमेंट में एजुकेशन और लिटरेसी डिपार्टमेंट के ग्रेड्स हैं उसके अकॉर्डिंग इन्हें एडजस्ट किया जाए। तो वो अप्रूव तो हो गई थी चीज़, लेकिन उसको इम्प्लीमेंट नहीं किया जा रहा था और मुसलसल कोशिशों के बावजूद वो रुका हुआ था। इसका क्रेडिट फिर बच्चल साहब को जाता है कि उन्होंने इनिशिएटिव लिया, अप्रूवल दिया, क्योंकि फाइल तो मुसलसल बनती थी, हर टेन्योर में बन रही थी मुख्तलिफ सेक्ट्रीज़ के ज़माने में, लेकिन बस अल्लाह जिससे काम लेना चाहे। तो आई एम थैंकफुल टू मिस्टर बच्चल साहब, इन सबको ये खुशी देने में इनका रोल है, और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने इनको रिटर्न दिया। ही हैज़ बीन प्रमोटेड टू ग्रेड 20 यस्टरडे, तो कोई नेकी रायगा नहीं जाती है, और ये सब कुछ मिनिस्टर साहब की सरपरस्ती में हुआ, क्योंकि उनकी पॉजिटिव सरपरस्ती हमारे ऊपर थी, उनकी डायरेक्शंस थी, वो खुद एजुकेशन को देख रहे हैं, तो वो टीचर्स का, स्कूल्स का मुसलसल इम्प्रूवमेंट चाहते हैं। तो अगर उनको, टीचर्स को उनका राइट हक मिलेगा, तो वो डेफिनेटली और अच्छा आउटपुट देंगे, हमारी जनरेशन और अच्छी बिल्डिंग होकर निकलेंगी स्कूल से। तो इस सिलसिले में उनकी सरपरस्ती में बच्चल साहब और इनकी सरपरस्ती में हम सब ने ये काम किया, तो ये सारा क्रेडिट पूरी टीम को जाता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये हमारे असातिज़ा का तकरीबन 17 साल से ये मसला रुका हुआ था, और हमारे असातिज़ा जिस ग्रेड में 2001 से अपॉइंट थे वो आज तक उसी ग्रेड में काम कर रहे थे। तो हमारे एक्स सेक्रेटरी क्या कहते हैं, हमारे सेक्रेटरी साहब जो हैं बच्चल राव पोटो साहब और आसिफ मेहमान साहब जो हमारे एक्स सेक्रेटरी थे, उन्होंने ये बोर्ड से पास करवाया था। तो आज मुख्तलिफ सेक्रेटरी गुजरते रहे, उसके बाद सेक्रेटरी बच्चल राव पोटो साहब जो है वो आए और उन्होंने इस फाइल को जो है असातिज़ा की मेहनत को देखते हुए, उनके साथ जो नाइंसाफ़ी थी उसको देखते हुए उन्होंने इस ऑर्डर्स को कबूल किया, और जो गवर्नमेंट ऑफ सिंध अपने असातिज़ा को टाइम स्केल देते हैं उसी फार्मूले के तहत जो है वो असातिज़ा को टाइम स्केल दिया गया है। जैसे गवर्नमेंट ऑफ सिंध 9 साल बाद एक ग्रेड देती है और 14 साल बाद सेकेंड और 21 साल की सर्विस के बाद तीसरा ग्रेड वो देते हैं। तो इसी फार्मूले के तहत जो है हमें, हम जो असातिज़ा थे वर्कर वेलफेयर बोर्ड, हम वो असातिज़ा हैं जो ये मज़दूरों के बच्चों को पढ़ाते हैं, और हमारे पूरे सिंध के अंदर 28 स्कूल हैं और 2 कॉलेजेस हैं जो लेबर कॉलोनीज़ के अंदर हैं, और हमारा ये गवर्नमेंट ऑफ सिंध का है जो मज़दूर किसी फैक्ट्री में काम करता है तो उनके बच्चों को फ्री जो है तालीम वहाँ दी जाती है। तो ये वो असातिज़ा हैं जो उन मज़दूरों के बच्चों को पढ़ाते हैं। आज उन असातिज़ा की जद्दोजहद के नतीजे में और आला अफसरान की मेहरबानी से और ख़ास तौर पर मिनिस्टर लेबर सईद गनी साहब की हिदायत पर हमें ये आज टाइम स्केल दिया गया है। गुज़िश्ता सालों से अपने प्रमोशन से महरूम असातिज़ा कराम के दरमियान अपना प्रमोशन होने पर खुशी की लहर दौड़ गई। वीडियो को लाइक करके फेसबुक और व्हाट्सएप के जरिए दूसरे लोगों के साथ शेयर कीजिए, और ऐसी ही खूबसूरत वीडियोस फ्यूचर में हासिल करने के लिए रेड बटन पर क्लिक करके और बेल आइकॉन को प्रेस करके हम सबके सब्सक्राइबर बनना मत भूलिए।